हेलो फ्रेंड्स, आज हम वड़ा बनाएंगे जो बाहर से क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो उड़द की दाल को बनाने से 3 घंटे पहले भिगो दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ने पर 1 या 2 चम्मच पानी डाल लेंगे। और ये देखिए ये पीस कर इस तरह तैयार हुआ है, इसे दोबारा पीसेंगे। और अभी भी ये सही से नहीं पिसा है, इसमें हम 2 चम्मच पानी डालकर एक बार फिर पीसेंगे। और अब ये देखिए सही से पिस गया है, इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। और बाकी उड़द की दाल को भी पीस लेंगे। दाल पिस गए हैं, इसे भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब 6 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक को मिक्सी में पीस लेंगे। अदरक और हरी मिर्च भी पीस गए हैं। अब पिसे हुए दाल को हाथों से हम अच्छे से फेंट लेंगे। मैंने इसे फेंट लिया है, ये देखिए पानी में डालने पर ये पानी के ऊपर ही तैर रहा है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं, ये देखिए अब हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसमें 2 कटे प्याज डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच खड़ा जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन। इसे डालकर एक बार फिर इसे फेंट लेंगे। अब इसमें 3 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, अगर चावल का आटा नहीं है तो ना डालिए। और इसे एक बार फिर फेंट लेंगे। और अब बड़े के लिए बैटर तैयार है। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है ऑयल डालकर, ऑयल गर्म हो गया है। अब हथेली पर इस तरह पानी लगाकर, अब बैटर से थोड़ा बैटर निकालकर हथेली पर इस तरह फैलाएंगे और इसके बीच में उंगली से इस तरह छेद करेंगे, ये देखिए। और दूसरे हाथ में इस तरह पलट लेंगे, ये बहुत आसानी से दूसरे हाथ में आ जाता है। अब इसे हम ऑयल में डाल देंगे इस तरह से, और इसी तरह हम दूसरा वड़ा भी बनाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर तलेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। वड़े को आप सांभर के साथ या चटनी से खाइए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक से खाते हैं और ये बहुत कम सामान से बन जाता है। और ये वड़ा तल चुका है, इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे वड़े बना लेंगे।
इसे आप सांभर या नारियल की चटनी या अपने पसंद की किसी भी चटनी से खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिए।